और ऐसे में झारखंड के सियासत में भी लगातार उलटफेर देखा जा रहा है। चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जेएमएम के बागी नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। 30 अगस्त को आधिकारिक तौर पर सदस्यता लेंगे बीजेपी के चंपई सोरेन। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। कल दिल्ली में अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई थी और ऐसे में जेएमएम के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लग गई है। वो 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से पार्टी के सदस्यता लेंगे और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में इसकी पुष्टि भी कर दी है। और अब ऐसी भी चर्चा है कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन के साथ साथ जेएमएम के कई बड़े नेता भी बीजेपी में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह और चंपई सोरेन की मुलाकात की तस्वीर के साथ लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और वो आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक वो तस्वीर जिसमें चंपई सोरेन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे, तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। और दूसरी तरफ उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं और लगातार झारखंड की राजनीति में उबाल देखा जा रहा है, उलटफेर देखा जा रहा है। और ऐसे में अब बड़ा बदलाव झारखंड की राजनीति में देखने को मिलेगा क्योंकि 30 अगस्त को चंपई सोरेन जो जेएमएम के बागी नेता हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आदिवासियों के बीच में उनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और ऐसे में अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये तस्वीर बयां कर रही है। और इस तस्वीर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंपई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला लिया है।